जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का माहौल शुरू हुआ है, तेल और क्रूड ऑयल जैसी कंपनियों के अच्छे दिन आ गए हैं। इन्हीं में से एक कंपनी है गेल, जिसका पूरा नाम होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन दिनों सभी गैस कंपनियों के शेयर प्राइस में अच्छी खासी इजाफा देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम लोग गेल कंपनी के बारे में बात करेंगे। इसने हाल ही में डिविडेंड देने की बात कही है, तो डिविडेंड कब मिलेगा, कितना रुपये मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आइए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी है, नेचुरल गैस का कारोबार करती है और ये एक सरकारी कंपनी है। इसका मार्केट कैप है 67,516 करोड़ रुपया तथा शेयर प्राइस है 152 रुपया। आज के दिन इसके शेयर प्राइस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। हाई लगा चुका है 171 रुपया, अर्थात इस कंपनी का शेयर प्राइस अधिकतम यहाँ तक आया है। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की। तो यह मीटिंग आज यानी कि 11 मार्च को हुआ है और इसी मीटिंग में कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड देने की बात कही है। दोस्तों, डिविडेंड दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो किसी भी दो फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में दिया जाता है, उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। और फाइनल डिविडेंड वो होता है जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, जैसे कह सकते हैं क्वार्टर फोर का जब रिजल्ट आता है और उसमें कंपनी डिविडेंड देने की बात करती है, तो उसको फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का मतलब समझ में आया होगा। अब यहाँ बात करते हैं, तो आज कंपनी के डायरेक्टर्स ने इंटरिम डिविडेंड देने की बात कही है। 5 रुपये प्रति इक्विटी शेयर, यानी कि एक शेयर पर आपको 5 रुपये दिए जाएंगे। और इसके लिए रिकॉर्ड डेट रखा गया है 22 मार्च 2022, यानी कि आपका नाम यदि कंपनी के रिकॉर्ड लिस्ट में 22 मार्च तक आता है तो आपको इस कंपनी का डिविडेंड दिया जाएगा। एक रिकॉर्ड डेट रखा गया है 21 मार्च 2022। दोस्तों, अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर नहीं है और आप डिविडेंड लेने के लिए इस कंपनी के शेयर को बाई करना चाहते हैं, तो हमेशा एक्स रिकॉर्ड डेट के 2 दिन पहले शेयर बाई करेंगे, क्योंकि शेयर के सेटलमेंट होने में 2 दिन का समय लगता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 दिन में बीच में हॉलीडे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर 3 दिन या 4 दिन भी लग सकते हैं। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू है 10 रुपया। आपको पता है कंपनियाँ जब भी डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है तो हमेशा फेस वैल्यू पर वो डिविडेंड देती है। तो अगर 10 रुपया फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी के 5 रुपये डिविडेंड कैलकुलेट करें तो यह लगभग 50% डिविडेंड निकल के आता है। वहीं अगर यह जो 5 रुपये डिविडेंड देने कंपनी बात करती है, शेयर प्राइस के हिसाब से इसको कैलकुलेशन करें तो वह बनता है 3.29%। लेकिन कंपनी हमेशा फेस वैल्यू पर डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।